बैठी हुई थी और नीचे पलट गई इस खटिये से। गाइस इन महाशय का यूपीएससी का क्लास मेरे को करना पड़ रहा। देखो आप सोच रहे होंगे कि दुल्हन जैसा काहे सजी है। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस प्रश्न में। सो गाइज अर्ली मॉर्निंग उठ के पूरा घर मैंने पहले साफ सफाई किया एकदम अच्छे से, पूरा झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, देन खाना भी बनाया, मतलब बस सब्जी बनाया। मैंने सोचा जब रोटी खाएंगे तब गरम गरम, मतलब नहाने के बाद ही गरम गरम बनाऊंगी, तो नहा लिया है मैंने। अभी बनाना है रोटी और चावल, बाकी पहले पूजा भी करना है क्योंकि बिना पूजा किए तो आप लोग को पता ही है मैं खाती नहीं हूँ, तो पहले पूजा पाठ भी अब करना है। वो तो वैसे गए हुए हैं स्कूल तो उनका भी आने का थोड़ा बहुत टाइम हो ही गया है, आएंगे तब तक वो भी गर्मा गर्म खा लेंगे, इस कारण से मैंने थोड़ा लेट ही बनाया। और राशिद को जाना था कॉलेज इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से बस सब्जी बना दिया कि वो लेके चला जाएगा, हम लोग भी कभी हो जाएगा। और एक आज मैंने बनाया है चना आलू का सब्जी जो कि नोना को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो उसको भी देना है और उससे पूछेंगे कि कैसा लगा, क्योंकि थोड़ा मैं स्पाइसी सा बनाती हूँ, बहुत तीखा सा, तो उसको अच्छा लगा था लास्ट टाइम जब दिए थे, तो इसी कारण से फिर से उसको थोड़ा सा ही दिया था, तो इस कारण से इस बड़ी ज्यादा बनाया और ज्यादा ज्यादा उसको देना है। तो बना लेती हूँ रोटी और चावल, देन चलते हैं। राइस कुक हो रही है, इधर मैंने वर्कर्स के लिए चाय भी बना रही हूँ एंड आटा भी लगा दिया, खाना है क्योंकि बहुत जोरों से भूख लग गई है एकदम। सोच रहे थे कि उनका वेट कर लेते हैं बट सोचे कि खा ही ले वरना मुझे तो इस कंडीशन में खाए, फिर आके वो गुस्सा करेंगे कि मेरा वेट करने का क्या जरूरत है। हे फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर ब्लॉग चैनल मिस्टर एंड मिसेस प्रशुन। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, पूरी एनर्जी के साथ इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं गाइस। और निशा बहुत एकदम फिट हो गई है, क्या हो गया? नाश्ता कर रहे हैं। अच्छा नाश्ता कर रहे हैं, बाकी आइए देखिए। आप सोच रहे होंगे कि दुल्हन जैसा काहे सजी है, काहे सजी हुई है और चौड़ा भी है इससे। अरे भले बताओ काहे सजी हो, दिखाता हूँ। निशा का पूरा ड्रेस पहन लिया, कितना मस्त लग रही है। इधर कनिया, अरे ओ कनिया तनी देखो इधर, ये कनिया को देखो, का अब करिया कपड़ा से, ये काला कपड़ा से क्यों ढक हो गया? अच्छा रोडवा पर लाज लगेगा, लाज नहीं लगेगा, अभी स्कूटी से जाना है। सर तो आए कार से, नहीं मैं तो नहीं बोलता, मुझे खुद कार से लेके आए। तो गाइस मैं अभी गया था पढ़ाने, और सर क्या कर रही है? बाकी ये तनु कहाँ जा रही है सर दस के, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। और ये भाई साहब लेके जाएंगे, देखो मेरे को खाना है लिट्टी चोखा, इसलिए भाई साहब जब वहाँ लिट्टी चोखा का प्रोग्राम हो तो मुझे बता ना यार। लो जल्दी चलो, ले लिया, चलो चलो बोल लो इसे बढ़िया। बाकी गाइस यहाँ पे अपना मस्त कर रही है ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट विथ लंच, चावल रोटी सब्जी। सब्जी क्या बना है? चना आलू। और मैं तो गाइस अभी पढ़ा के आ रहा हूँ, जस्ट आया हूँ अभी पढ़ा के, सुबह ही चला जाता हूँ पढ़ाने। बाकी मैं सारा कुछ कटवट कर दिया था सब्जी, तो सारा कुछ क्या कट किया? सारा कुछ कट इट मींस प्याज, प्याज कट किया ना बस, खाली लड़ती रहती है गाइस। हम अगर एको काम गलती से ज्यादा कह देंगे ना कि कर दिए तो हैं 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 करना शुरू कर देती है, ये इसका काम है। इतना जोर से भूख लगा है, अरे भाई साहब भूख तो मुझे भी लगा है, और चलो तुम खा लो। यू है कि तनु के आज कुछ दिन पहले शूट में था फ्रेशर पार्टी, और आज क्या है जी? अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर, मतलब अभी तक उनका फेस्ट चल ही रहा है, तो आज वो बिहार को रिप्रेजेंट करने वाली है, तो छठ वहाँ पे वो दिखाने वाली है, और इसी के लिए वो गई हुई है। बाकी कहेंगे कोई एक ब्लॉग टाइप का वीडियो भी बनाए ताकि आपको हम लोग दिखाएं। बाकी आप लोग खूब सारा प्यार सपोर्ट कीजिए, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों। अब थोड़ा लपेट लो, बहुत जोर की भूख लग गई हमें, तीन चार घंटा भूख क्या रहा है, क्लास में एकदम जोर जोर से चिल्ला के आ रहा है गाइस, तो बस लपेटे जल्दी। हे फैमिली तो गुड इवनिंग, और ये देखिए ये भी कह रही है फैमिली, जरा देखो देखो जरा फैमिली को देखो, और निशा बना रही है यहाँ पे मस्त चाय। क्या क्या बोले फिर से? बहुत सहतार है गाइस, बहुत ज्यादा सहतार। जैसे ही घर पे आए, और मतलब अभी ये घर पे आए, वैसे ही खुशखबरी दी, कौन सा प्राइज मिला? फर्स्ट प्राइज गाइस। तो गाइस बिहार का झंडा एकदम गाड़ दिया, छोड़ने हमारी छोरी छोरों से कम है क्या, बस समझ रहे हो आप?
बाकी बाबूआ जी क्या करेगा, हमको समझ में नहीं आता। अरे कुछ नहीं करेंगे, दांत खोद रहा है आधा, ऐसे ही झंडा गाड़ते रहेंगे। समझ रहे हो, हरियाणा के हम बिहारवासी गर्व उड़ा रहे, समझ रहे हो। ये भी बात सही है भाई, चलो नहीं, उसमें तो थे, अरे उसमें थे ये करिए नहीं थी, चलो कोई नहीं, हरियाणा बिहार बाय बाय। लेकिन उसके लिए कांग्रेचुलेशन, हाँ हाँ कांग्रेचुलेशन भाई, गर्दा बुला दिया, चलो और लग भी रही बहुत प्रीटी। क्या ओए होए होए होए, हरियाणा बिहार कर गई और गाइस मेरा चाय आ गया, चोट तो कहीं नहीं लगी ना, अभी हुआ यूं ये बैठी हुई थी और नीचे पलट गई इस खटिये से। चलो देर कौन तो लगी नहीं अभी। तो गाइस शाम हो चुकी है और एज यूजुअल इन्होंने सब्जी कट कर दी है, मेरी बारी है बनाने की, लेकिन आज फिर से मन नहीं कर रहा क्योंकि आज घर की काफी ज्यादा मैंने साफ सफाई की, मतलब पोछा लगाया, झाड़ू लगाया, पूरा घर बैठ बैठ के पोछा लगाई, तो बहुत ज्यादा ही थाइज में पेन हो रहा है, तो लेट के थी। बाकी अभी ये महाशय मेरा क्लास कर रहे हैं गाइस, इन महाशय का यूपीएससी का क्लास मेरे को करना पड़ रहा, देखो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ आजकल, अब मन नहीं कर रहा, मेरे से ज्यादा देर तक ना बैठ नहीं जाता है, मतलब पेट में वो होने लगता, दर्द सा होने लगता है, तो यही इनको बोला कि आप थोड़ा नोट्स बना दो, मैं बाद में देख लूंगी, क्योंकि सर का जो क्लास है मेरा वो एक्सपायर हो जाने वाला है, बस कुछ दिन तक ही सर पढ़ाएंगे, उसके बाद तो मैं ये ऐप ओपन होगा बट वो क्लासेस नहीं रहेंगे, तो इस कारण से मैंने बोला है कि प्लीज आप ही कर दीजिए। बाकी मैं खा रही हूँ ये चीज, मैं एक चीज नाम नहीं ले रही, मैं सुनूंगा तो मांगूंगा। मैं ही जाकर देता हूँ, अब मुझे ही नहीं मिलती है। मुझे नहीं मिलती, बात मुझे कहना चाहिए आपका, बात ही हम बोले हैं, राशिद का लग रहा है थोड़ा बहुत तबीयत खराब है, तो राशिद उधर सुबह पे काम करते करते आज लेट गया है, और राशिद दवा ला दूं, सोया है गाइस, मौसम बदल रहा है पूरा, यहाँ पे बहुत ज्यादा, अभी जैसे हम लोग के घर में फैन भी नहीं चल रहा है, फिर भी ठंड लग रही है, राशिद दवा ला दूं, तो जा रहा हूँ मार्केट जा रहे, सोच रहा था कर जाएंगे तो मेरे लिए कुछ लेके आएंगे, हमको कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, पता है मुझे कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, लेकिन समझ में नहीं आता क्या अच्छा चीज, तो इस कारण से ये भी गुस्सा हो जाता है। तो जलेबी तो खाना नहीं होता, जलेबी मिठाई और क्या खा सकती हूँ, कल भी जलेबी यहाँ का, मैं सोच रही हूँ कल गोलगप्पा बनाऊंगी और कल गोलगप्पा खाऊंगी अकेले अकेले, अभी खाइएगा, लेकर आऊंगा मसाला, मसाला तो घर में ही बन जाएगा, धनिया लाना होगा, जीरा लाना, जीरा है, धनिया लाना होगा, और मैं अकेले कल बनाऊंगी, लेकर आता हूँ मैं, अभी अभी पढ़ाई कीजिए मेरा, नहीं दो क्लास मार्केट में, मैं बोर हो गया, मैं नहीं अभी मार्केट नहीं जाना है क्योंकि काफी ज्यादा लेट हो चुकी है, अभी खाना बनेगा, सब्जी तो कट हो ही गया, अब जल्दी जल्दी खाना बनाएंगे और खा के सोएंगे हम लोग। बारी है डिनर की, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये क्या है बाबू, ये तो अपना बनाई सब्जी है, मैं तो सॉफ्ट वगैरह मुझे लगा पता नहीं क्या बना दी, बट अभी निशा बना रही है रोटी और मस्त बनाई है, यहाँ पे आलू बीन्स की सब्जी आप लोग देख लीजिए गाइस, बहुत ही तगड़ा बना है और बहुत मजा आएगा खाने में। तो और बताओ जी क्या हाल चाल है आपके, आजकल रोटी बेल रही है बहुत है, बहुत मेहनत करिए, दो तीन दिन और कष्ट कर लो, उसके बाद तो मम्मी आ ही जाएगी, है ना बाबू, फिर उतना दिक्कत नहीं होगा हम लोग को भी, हाँ तीन आदमी का ही खाना बनाना है, ये रही एक आदमी, मैं रहा दूसरा आदमी, और ये रहा हमारा तीसरा आदमी, तीसरा आदमी, तुम भी जा रहे घर, बेचारे की तबीयत सही नहीं है, अभी सर्दी जैसा इसको लग रहा है, जैसे फीवर हो जाएगा, अगर दवा तो मैं पूछ रहा था कि दवा ला दूँ तो तुम बोले ही नहीं, दो दो बार पूछा दवा ला दूँ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, चलो फिर अच्छी की बात है। बाकी चलिए निशा भी डिनर प्रिपेयर कर रही है, तो उसके बाद जल्दी से खाएंगे, बहुत जोर की भूख लग गई, अभी 9:30 बज गए दोस्तों, बोले तब से पूछ रहे थे खाना है तो नहीं, तो इसीलिए मैंने कहा रोटी बना सब्जी बन गया, रोटी तो गरम गरम खाएंगे। चलो गाइस इनको बनाने देते हैं और डाइनिंग टेबल पे पानी का बॉटल वाटर लेके चलते हैं खाने के लिए। खाना खा लिया और अब बारी है जेरी की, तो ये देखिए इसको भी खाना दे दिए निशा, और ये देखो कैसा शैतानी करते रहता है गाइस, एकदम उसको और ज़्यादा लगता है भूख लगा खाने के लिए। जेरी जेरी, और गाइस ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है,
लाइट लग गया माना के घर पे, हम सोच रहे अपने भी घर पे लाइट लगा दे। लाइट लगा दिया जाए कल? तो देखते हैं जब टाइम मिल नहीं पा रहा है क्योंकि इंस्टीट्यूशन स्कूल इसी चक्कर में सारा लेट हो जा रहा है, फिर बहुत सारा काम रह रहा है। तो चलो कोई नहीं गाइस, अब तो आशीष भी जा रहा है, आशीष भी जा रहा है, कोई रहेगा नहीं तो हम लोग क्या सेलिब्रेट कर पाएंगे। चलो कोई नहीं, अब जैसे भी हो जो होगा सब बताएंगे आपको। तो मिलते हैं आपसे कल मॉर्निंग में एक नए फ्रेश अगले फ्रेश ब्लॉग के साथ। आशा करती है प्यारा से ब्लॉग पसंद है गाइस, हां इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लीजिए, खूब सारा प्यार सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं कल आपसे, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, लव यू।